फ्रेंड्स, पन्ना की रसोई में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू की खिचड़ी। चलिए देखते हैं। आज हम बनाएंगे आलू की खिचड़ी। इसके लिए आइए देखिए हमने क्या क्या लिया है। ये मूंगफली है, इसको हमने भूंज लिया है, भूंज के इसका छिलका निकाल दिया है। और ये दो हरी मिर्ची है, ये धनिया की पत्ती है, और ये आलू, चार आलू है, इसको हमने बारीक कद्दूकस में कस कर लिया है और इसको पानी में डाल दिया जिससे ये लाल ना हो। अब इसका पानी हम छान लेंगे। और ये जीरा लिए हैं, इसका पानी अच्छे से, इसको दो तीन बार हमने अच्छे से पानी में खूब धुल लिया है। और अब इसका पानी छान के निकाल देंगे। ये देखिए गैस की फ्लेम हमने अपनी ऑन कर दी है और इसमें हम 3 चम्मच घी डाल देंगे। जब आप आलू खा खा के बोर हो गए हैं और कोई कोई व्रत में साबूदाना नहीं खाता है तब आप आलू की खिचड़ी बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए हमने जीरा डाल दिया है इसमें। ये थोड़ा जीरा हमारा हो जाए फिर हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। आलू की खिचड़ी टेस्टी भी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और टेस्टी होती है। अब जीरा हमारा देखिए ये थोड़ा हो गया है, अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। ये देखिए मिर्ची हमारी हो गई है, अब हम इसमें अपनी आलू जो कद्दूकस के रखे हैं इसको डाल देंगे। मिक्स कर दिए हैं, देखिए थोड़ा घी हम इसमें 1 चम्मच और डाल देंगे। जैसे कि आलू हमारी चिपके नहीं हो, गैस की फ्लेम हम अपनी बिल्कुल लो कर देंगे और नमक डाल के इसको ढक देंगे। देखिए उसमें नमक डाल देंगे। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब बस इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपनी मूंगफली जो लिए हैं उसको हम थोड़ा दरबरा मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए अब इसको चला, मतलब एक बार देख लेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको पकाया है ढक के, उसके बाद देख लेंगे थोड़ा और इसको थोड़ी देर में गैस की फ्लेम थोड़ा अपनी हल्की तेज कर देंगे। और अब हम इसको खोल के इसी को चलाते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। से चलाते हुए थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट कम से कम इस तरह से खोल के पकाएंगे जिससे ये आलू हमारी थोड़ी कुरकुरी हो जाए। ये आलू पक गई है, ये देखिए आलू पक गई है। इसको हम 5-6 मिनट तेज फ्लेम, गैस की फ्लेम अपनी थोड़ा तेज कर देंगे और इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। ये अपनी मूंगफली, ये देखिए हमने इसको मिक्सर में
बारीक, थोड़ा बारीक हो गई है, थोड़ा और दरदरी होनी चाहिए। इसको इस तरह से हमने एक बार ग्राइंड कर लिया है। इसको थोड़ी देर इस तरह से ऐसे ही खुले खुल के पकाएंगे, उसके बाद फिर ये पक गया। अब हम इसमें जो अपनी मूंगफली रखे थे इसको डाल देंगे। ये देखिए आलू की खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। कितनी अच्छी लग रही है, टेस्टी तो बहुत है। अब गैस की फ्लेम अपनी बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आलू की खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी बनी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खिली खिली। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई करना प्लीज़ दोस्तों। मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।